हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने मैट्रिक्स में जो भी पढ़ा था इसको शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। मैट्रिक्स यानी कोई भी डेटा जो है इसको रो एंड कॉलम में अरेंज किया जाता है। मैट्रिक्स को कैपिटल ए बी, इसके जो एलिमेंट है वो ए आई जे, यानी ए वन वन ए वन टू। तो आई जो है वो रो नंबर दिखाता है, जे जो है वो कॉलम नंबर दिखाता है। रो मैट्रिक्स यानी ओनली रो है, एक ही रो है, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ही कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, आई इक्वल टू जे, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जिस एलिमेंट में ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री यानी रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल है वो एलिमेंट जीरो नहीं है, और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल वाला जो पोर्शन है उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी ए आई जे आई इक्वल टू जे और ए आई जे इक्वल टू के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जो डायगोनल है वो सारे एलिमेंट वन 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 होना चाहिए। अब आगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब कह सकते हैं, तो एक मैट्रिक्स है ए ए आई जे और दूसरा मैट्रिक्स है बी बी आई जे। तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी ए वन वन सपोज मैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, मैट्रिक्स कौन सा हुआ, टू रो है थ्री कॉलम टू बाय थ्री, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी, इसके एलिमेंट बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री, ये हुआ टू बाय थ्री। तो पहले से दोनों के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है और ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी ए वन वन यदि ए इक्वल टू बी है तो ए वन वन का जो आंसर होगा वो बी वन वन होगा, ए वन टू इक्वल टू बी वन टू, ए वन थ्री इक्वल टू बी वन थ्री, ए टू वन इक्वल टू बी टू वन, ए टू टू इक्वल टू बी टू टू और ए टू थ्री इक्वल टू बी टू थ्री, सारे इक्वल। यानी ए वन टू का जो आंसर है वही बी वन टू का आंसर मिलना चाहिए। इन शॉर्ट एक ए जो है वन फाइव सेवन माइनस टू है और ए इक्वल टू बी है तो बी जो होगा वो भी वन फाइव सेवन माइनस टू
तब मैं जाके ए इक्वल टू बी बोल सकता हूं, सही होना चाहिए। यदि आपको बोल दिया कि भाई ए जो है वो ए बी सी डी ई एफ है और बी जो है 2 - 1 = 5 - 7 - 3 और इसने बोल दिया कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, तो कंपेयर ही करना है। तो ए इक्वल कितना होगा 2, बी इक्वल -1, सी इक्वल 0, डी इक्वल 5, ई इक्वल 7, एफ इक्वल -3, तो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल होने ही चाहिए, तब भी अंदर के एंगल और दूसरे अंदर के एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अब अगले सेशन देखते हैं, इफ एक्स प्लस 3 माइनस 6 find the value of a b c x y and z, find a b c x y and z, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों इक्वल दिखाया हुआ है, बीच में क्या है इक्वल, फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करता हूं तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -3, एक्स जेड प्लस 4 इक्वल टू 6, तो जेड इक्वल टू 6 - 4 2, फिर 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2, 2y - 3y इक्वल टू -2 + 7, -y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5, -6 है तो a -1 इक्वल टू -3, ए इक्वल टू -2, फिर 2c + 2 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू दिस, तो c इक्वल टू -2/2 यानी -1, ये मिल गया। फिर b -3 इक्वल टू 2b + 4, तो b -2b इक्वल 7, -b = 7 then b = -7।
ए बी सी एक्स वाई जेड मिल गए। ये माइनस 21 इक्वल है, 0 0 इक्वल है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमको इक्वल दिए गए इसलिए। ओके फिर इसके बाद लेसन नंबर 5 है, टू ए प्लस बी फाइव सी माइनस बी ए माइनस टू बी फोर सी प्लस थ्री इक्वल टू फोर माइनस थ्री इलेवन ट्वेंटी फोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन 2a प्लस बी ए माइनस टू बी फाइव सी माइनस डी फोर सी प्लस थ्री डी इक्वल टू फोर माइनस थ्री इलेवन ट्वेंटी फोर। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए है तो हमको ए बी सी एंड डी फाइंड करना है। तो पहले कंपेयर कर देते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू फोर, दूसरा ए माइनस टू बी इक्वल टू माइनस और फाइव सी माइनस डी इक्वल टू इलेवन फोर सी प्लस थ्री डी इक्वल टू ट्वेंटी। अब ए एंड बी इसमें है और इसमें है, तो दो इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड करो या सब्सटीट्यूट करो, कोई भी करो। तो एलिमिनेशन कर लेता हूं मैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 4a प्लस टू बी इक्वल टू एट, ए माइनस टू बी माइनस थ्री कैंसल, 5a इक्वल टू फाइव, ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन इसमें रख देते हैं, टू प्लस बी इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू ए मिल गया, बी मिल गया। अब इसमें मिल जाएगा तो ये 5c माइनस डी है इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। तो 19c तो C इक्वल टू 19 3 57, C इक्वल टू 3 इसमें रखते हैं, 15 माइनस D इक्वल टू 11, D इक्वल टू कितना मिला 4। ये तो ये एक्सरसाइज 3.1 में देखो, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू
2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 7 minutes. Right, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है हमको. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यानी रो एंड कॉलम कितनी है. वो तो रो कितनी है 1 2 एंड 3 3 by 1 2 3 4 3 by 4. सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट. कल हमने बताया था कि 2 by 3 है तो 6 एलिमेंट हो गए, 3 by 2 है तो भी 6 हो गए, 5 by 3 है तो 15 होंगे, 3 by 4 है तो कितने होंगे 12. गिन लो 4 4 4 4 3 12. थर्ड बोला कि फाइंड राइट द एलिमेंट a13 a21 a33 a24 a23 यानी ये एलिमेंट हमको फाइंड करना है. a13 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो या थर्ड कॉलम ही हो जाएगा. ये a11 a12 a13 कितना है 19. a21 यानी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो 35. a33 थर्ड रो में थर्ड रो है थर्ड कॉलम का थर्ड कॉलम -5. a24 सेकंड रो में फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12. a23 सेकंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5. If a matrix has 24 element, what are the possible order it can have? 24 element है, total number of element 24. इसका order क्या हो सकता है? तो 24 by 1 1 by 24 यानी 1 रो एंड 24 कॉलम, फिर 12 रो टू कॉलम 12 रो, 6 रो 4 कॉलम 4 कॉलम 6 रो, 8 3 3 by 8 ये होगा. हर एक में देखो 24 वंस आ 24 एलिमेंट हो जाएंगे. फिर आगे इसने बोला कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. यदि 13 एलिमेंट होता तो 13 by 1 होता या 1 by 13.
यानी वो रो मैट्रिक्स हो जाता है या फिर कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि 13 के दूसरे कोई फैक्टर है ही नहीं। 13 by 1, 1 by 13। थर्ड क्वेश्चन है, यदि 18 एलिमेंट है तो 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? उस 18 by 1, 6 by 3, 3 by 6, 9 by 2, 2 by 9, ये पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। और आगे बोला कि यदि 5 एलिमेंट है तो दो ही होगा, 5 by 1, 1 by 5, इसमें 13 डालो, 13 by 1, 1 by 13। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है आपको, ए आई से उस एलिमेंट आर गिवन बाय टू बाय टू मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। अब इसने बोला कि Aij इक्वल टू i+j² / 2। और दूसरा भी ले लेते हैं, Aij = i/j, और थर्ड है Aij = i+2j² / 2। Aij = i+j² / 2 है, और यहाँ पे Aij = i/j है, और थर्ड है Aij = i+2j² / 2 है। मैट्रिक्स बनाना है हमको 2 by 2, यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है। देखो Aij तो ये एलिमेंट A11 कौन सा होगा इसके हिसाब से, i यानी 1, j यानी 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 तो A12, तो i कितना है 1, J2 1 plus 2, 3, 3 का स्क्वायर 9 by 2, A21 तो 2 plus 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, और A22 2 plus 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2, 8। इसमें ये होगा i/j है, i यानी 1 by 1, 1 by 2, ये 2 by 1 यानी 2, और ये 2 by 2, 1, और ये ये वाला इसमें i+2j, ध्यान रखना जो j है यानी कॉलम नंबर जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई यानी 1 है और यहां पे जे 1 है, लेकिन जे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 plus 2 into 1, 2, 1 plus 2, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 by 2। फिर ये है A12,
आई वन है और जे टू है, तो टू टू सा फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 बाय टू, ये वाला ए टू वन, तो टू का टू आई यानी टू, जे यानी वन, तो टू प्लस टू इंटू वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर 16, 16 बाय टू एट, ए टू टू, टू प्लस टू और जे भी टू है, टू टू सा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय टू, ये हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। थ्री बाय फोर, तो ए जो है 3x4 है, थ्री रो फोर कॉलम, ए वन वन, अब ए वन टू फर्स्ट रो का एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ये हो गया 3x4। अब फाइंड करना है फर्स्ट ए आई जे इक्वल टू वन हाफ मोड ऑफ माइनस 3i प्लस जे, तो वन हाफ माइनस 3i प्लस जे मॉड ऑफ है, तो पहले वन वन यानी i वन है तो माइनस 3, जे वन है तो माइनस 3 प्लस वन माइनस 2, और माइनस 2 को मॉड ऑफ करेंगे क्या हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय 2 वन, ए वन टू यानी वन है और ये टू है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड ऑफ वन, वन बाय टू, ये आई वन है तो माइनस 3 होगा, फिर ये 3 माइनस 3 प्लस 3 जीरो, जीरो बाय टू जीरो, आई वन है तो माइनस 3 प्लस 4 वन, एक टू वन, तो आई कितना है 2, ये माइनस 6 हो जाएगा, फिर ये रो नंबर कॉलम नंबर ये ऐड करते जाएंगे, तो ये माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 5 बाई 2 मॉड ऑफ एट 5 बाई 2, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 मॉडल में निकलेगा 4, 4 बाय 2, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 मॉडल में से बाहर निकलेगा 3, 8 टू 4,
माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू डिवाइड बाई टू, माइनस टू का मॉडल टू टू बाई टू वन ए थ्री वन। तो थर्ड नंबर की रो है तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर ऐड करते जाएंगे, माइनस नाइन प्लस वन माइनस एट, एट माइनस एट का मॉडल एट, एट बाई टू फोर, माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन, माइनस सेवन का मॉडल सेवन, सेवन बाई टू, माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का मॉडल ऑफ सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री ए थ्री फोर, माइनस नाइन प्लस फोर माइनस नाइन प्लस फोर माइनस माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव, माइनस फाइव का मॉडल फाइव, और इसमें दूसरा है ए आई जे इक्वल टू टू आई माइनस जे, तो इसमें क्या है कि रो नंबर को टू से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो रो नंबर सबसे फास्ट है तो टू वन जा टू तो ये आएगा, तो टू माइनस वन वन, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस थ्री माइनस वन, टू माइनस फोर माइनस टू। अब रो नंबर कौन से होगी सेकंड, तो यहां से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा फोर, सब में फोर 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 फोर, कॉलम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस टू टू, फोर माइनस थ्री वन, फोर माइनस फोर जीरो। अब यहां पे रो नंबर कौन सा आया थ्री, तो थ्री टू सा सिक्स हो जाएगा, सिक्स माइनस कॉलम नंबर सिक्स माइनस वन फाइव, सिक्स माइनस टू फोर, सिक्स माइनस थ्री थ्री, सिक्स माइनस फोर टू, ये हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव तक रखते हैं, आपको इसकी नोट्स बनानी है पूरे चैप्टर की। एक बीच में एक टॉपिक रह गया था जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी इसके सारे एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट सपोज टू बाई थ्री है और वो जीरो मैट्रिक्स है, तो वन टू थ्री ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, टू बाई टू है तो जीरो 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 जीरो, थ्री बाई टू है जीरो 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 जीरो, ये सारे कौन से मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। ओके, इसको ओ से डिनोट किया जाता है, तो याद तक रखते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में आगे एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। थैंक यू।